नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। और आज हम चाहते हैं कि सभी भाई बहन जितने भी राज्यों से हैं पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अब मैंने खबरें स्टार्ट कर दी है, आप लोगों के कई राज्यों की खबरें अब आना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे में आपको बता दें, ये हमारे पास भाई बहन ने जानकारी भेजी है, पंजाब से हैं, पंजाब के होशियारपुर से। वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने अभी जो है ये ज्ञापन वगैरह केंद्र सरकार और माननीय वहाँ की राज्य सरकार को, पंजाब सरकार को भेजा है। ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों ने अपने 50 लाख के बीमा कवर के लिए आवाज सरकार के सामने रखी है। और उनका कहना है कि समय कोविड-19 की ड्यूटी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फ्रंट लाइन में है, यानी सबसे आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही खड़ी हैं। मेन काम उनके ऊपर है कि लोगों जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी निगरानी करना, उनके लिए सूचना तैयार करना, साथ ही साथ सर्वे स्क्रीनिंग जैसे काम आप लोगों ने तमाम स्टेटों में देखे। तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी कोविड-19 योद्धा के तौर पर जो है 50 लाख का बीमा कवर दिया जाए। और इसकी मांग पंजाब में आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन ने भी उठाई है, आपकी स्क्रीन पर बहनें तस्वीरों के साथ दिख रही है। वहीं पर दोस्तों हम अगली बड़ी खबर पर आते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, कई राज्यों से इस वीडियो में आप लोगों को खबरें मिलेंगी, देख करके आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। यहां पर आपको बता दें, हरियाणा के कैथल से आंगनबाड़ी वर्कर आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। इन बहनों ने जो है पहले तो प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के, तो मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी वर्करों ने लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन अपना किया था। उस प्रदर्शन के बाद वहां पर किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली, और ऐसे में आंगनबाड़ी वर्करों ने फिर लास्ट में जो है ये अपना ज्ञापन, जो लेटर है, मांग रहे वो वहां पर आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, खाली कुर्सी को बहने दे रही हैं। अब ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर जो तहसीलदार थे वो भी वहां पर मौजूद नहीं रहे, तो ऐसे में जो ये ज्ञापन बहने उनकी कुर्सी को ही वहां पर रख करके छोड़ करके बहने बेचारी चली आई हैं। तो आप देख सकते हो आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर के कितना संघर्ष काफी राज्यों में कर रही है। अभी पंजाब से आपने देखा, और अब आपकी स्क्रीन पर हरियाणा के कैथल से भी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज देख रहे हो। अभी पूरा वीडियो देखिए और भी जगह से आंगनबाड़ी बहनों की। दोस्तों सच्ची खबरों के लिए आप सब भाई बहन वीडियो को फटाफट पहले लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लीजिए। वहीं पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर यह भी देख सकते हो, ये आंगनबाड़ी बहनें हैं, इन्होंने 1500 मास्क अपने ही पैसों से, अपने ही पास से बनाए हैं और एसडीएम महोदय को उन्होंने सौंपे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को हम ये बताना और दिखाना चाहते हैं अपनी सरकारों को, हर राज्यों की सरकारों के, कि आंगनबाड़ी वर्कर अपनी जिम्मेदारियों को कितने अच्छे से निभा रही है। जो उनको नहीं करना है वो भी वो कर रही है, अपने घर से पैसे लगा करके भी बहुत सी आंगनबाड़ी वर्कर समाज सेवा कर रही है। तो ऐसे में सरकार इनके लिए जो है ना तो इनकी सेवा नियमावलियों में संशोधन के लिए कुछ सोचती है, ना ही इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाता है, और ना ही इनको जो है मानदेय की जगह वेतन दिया जाता है। इनके मानदेय की बात की जाए तो बहुत ही कम मानदेय पर ये बहनें हर एक राज्य में आंगनबाड़ी वर्कर काम कर रही हैं। महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाली समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याएं हर राज्यों में एक जैसी हैं, ये आप देख सकते हो। संवाद सहयोगी हमारे पास हैं टोहाना महिला एवं बाल विकास विभाग खंड से, तो वहां से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई। आपको बता दें कि विकास खंड आपका जो टोहाना पड़ता है एवं जाखल में कार्यकर्ता आंगनबाड़ी वर्करों ने 1500 मास्क बनाए हैं। ये मास्क जो है आमजन को निशुल्क बांटे जाएंगे। इससे पहले भी विभाग ने जो है करीब 1000 मास्क एसडीएम को सौंपे थे, इस तरह 2500 मास्क प्रशासन को दिए जा चुके हैं। यह मास्क पुलिस कर्मचारियों को दिए जाएंगे ताकि सड़क पर बिना मास्क जो है घूमने वालों को दिया जा सके। शुक्रवार को विभाग की तरफ से एसडीएम नवीन कुमार को यह मास्क वगैरह भी सौंपे जा चुके हैं। तो आपने देखा, एक तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने अपने कोविड-19 में जो है 50 लाख के बीमा कवर को लेकर के भी बेचारी आवाज उठा रही है, और उनकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। काफी जगह बहने प्रदर्शन भी करती है, और ऐसे में जो है वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं होते तो बहने बेचारी खाली कुर्सी को अपना ज्ञापन सौंप करके आती हैं। तमाम तमाम राज्यों से आप लोगों को मैं जानकारी दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों आप एक और बड़ी खबर देख सकते हो, जो कि यहां पर बिहार के समस्तीपुर से आती है। तो बिहार के भी भाई बहन आप देख लीजिए, हरियाणा पंजाब और इन जगह से आप लोगों ने खबरें देखी। अब देखिए आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभुकों ने किया है हंगामा, ये बहने बेचारी दिख रही हैं। और ऐसे में आपको बता दूं, ये लाभुक लोग हैं और ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर हंगामा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है उसके बारे में हम सब भाई बहन जरूर एक बार जानेंगे। समस्तीपुर प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुर उच्च विद्यालय के समीप स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में लाभुकों की मां को राशि देने के बाद उनसे वापस ले लेने को लेकर नाराज वगैरह ग्रामीणों ने रविवार को विरोध जताते हुए हंगामा किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता सेविका वगैरह भी गायब रही। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यहां पर जो वहां के लाभुक हैं उनको कुछ राशि वगैरह हाथ पर दी गई, लेकिन फोटो खिंचवा ली गई, उसके बाद वो चीजें उनसे वापस ले ली गई। सेम कंडीशन तमाम राज्यों में आप देख रहे हो, पोषाहार को लेकर के भी है, दो तीन पैकेट देने की बजाय कहीं एक
पैकेट या दो पैकेट थमाए जा रहे हैं और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर यह जो है बुरा बर्ताव जैसा देखने को मिलता है, ग्रामीण वाले आरोप लगाते हैं, जिसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी कहें या यूं कहें कि ये जो गलत काम किया जा रहा है ना, कि जो मानक के अनुसार पोषाहार नहीं आ रहा, इसमें सारी गलती जो विभाग के अधिकारियों की है कि वो लोग मानक के अनुसार चीजों को नीचे भेज नहीं रहे हैं, या फिर भेज रहे हैं तो फिर वो आखिर जा कहां रहा है। तो ऐसे में यहां पर क्या हुआ उसके बारे में डिटेल से पहले जान लीजिए। समस्तीपुर में है, समस्तीपुर प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुरा उच्च विद्यालय के समीप स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में लाभुकों की मां को राशि देने के बाद उनसे वापस ले लेने को लेकर के नाराज ग्रामीणों ने रविवार को विरोध जताते हुए हंगामा किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत सेविका गायब रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद है। इसको लेकर के केंद्र के बच्चों को पोषाहार की राशि घर घर जाकर दी जानी है। ऐसे में समस्तीपुर प्रखंड क्षेत्र के धर्मपुर उच्च विद्यालय के समीप स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका ने सभी बच्चों की मां को जो है केंद्र पर बुलाया, सभी से राशि वगैरह दिए जाने को लेकर के हस्ताक्षर भी वगैरह करवाए, फिर जो है सभी को हाथ में जो 400-400 रुपए देकर के, और वो पैसे जो यहां पर आप देख सकते हो उनकी तस्वीरें ले ली गई। तस्वीर लेने और हस्ताक्षर कराने के बाद सभी से रुपया वापस ले लिया गया। इससे नाराज होकर के महिलाओं ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। केंद्र की सेविका धर्मशीला देवी ने बताया कि इस समय इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। बताइए अगर मामला नहीं है तो यहां पर ये फिर आखिर भीड़ क्यों जमा हो रही है? तो हो सकता है कि वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये गलत काम उन्होंने किया हो, 400-400 रुपए उनके हाथ पर थमाए हो, उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया हो टीएचआर वगैरह के बदले, कुछ भी सिस्टम हो सकता है। तो ऐसे में आप लोगों को हम बताना ये चाहते हैं कि कहीं कहीं ये जो समस्याएं आ रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो लापरवाही प्रशासन की भी है, सरकारों की भी है। वो लोग मानक के अनुसार कुछ भेज नहीं रहे, सेम कंडीशन यहां पर अभी पैसों की आपने देखी। ऐसे ही तमाम राज्यों में मेरे सामने पोषाहार से जुड़ी हुई जानकारी भी आती है। पोषाहार जो है मानक के अनुसार न मिलने के कारण जितने लाभार्थी है उनका पोषाहार और टीएचआर ऊपर से आता नहीं है। तो ऐसे में आधे लोग उन लोगों को किस किस को दिया जाए, यह समस्या आंगनबाड़ी के सामने भी बनी रहती है। और इसके मेन जिम्मेदार हमारी सरकार, हमारा प्रशासन है, क्योंकि वो लाभार्थी हैं तो उन लोगों को पूरे को दीजिए, अन्यथा किसी को मत दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सब में आंगनबाड़ी दोषी रहती है। फिलहाल यहां पर क्या हुआ वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वहां के जो ग्रामीण के लोग ही जान सकते हैं। फोटो लेने के बाद में बताया जा रहा उनसे पैसे भी वापस ले लिए गए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वहीं पर दोस्तों आगे आप भी आप देख सकते हो झारखंड के लातेहार वगैरह से ये खबर निकल के आ रही। तो झारखंड की जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहने हैं वो सभी भाई बहन देखिए आपके राज्य से भी खबर है। मैंने काफी राज्यों से खबरों को आज लेकर के मैं आया हूं और आप सबका भी यदि सहयोग रहेगा व्हाट्सएप के जरिए आप सब अपने अपने वहां की समस्याओं को हम तक भेजें तो और भी इन चीजों को खबरों को हम विस्तार से फैला सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें लिखा हुआ है दोतल्ला पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाटम खाद्य सामग्री की एक बड़ी खबर आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। ऐसे में आपको बता दें ले चलते हैं यहां पर पूरी जानकारी पूरे मामले की तरफ। लिखा हुआ है सूत्र वगैरह है लिखा भुरकुंडा वगैरह है और बुध बाजार वगैरह दोतल्ला पंचायत है वहां के आंगनबाड़ी केंद्र पुराना थाना मोहल्ला दुंदुआ वगैरह एवं शिवनगर सहित 9 आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर जो है मुखिया लव कुमार महतो ने भी बताया कि झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित झारखंड स्टेट जो है लाइवलीहुड वगैरह प्रमोशन सोसाइटी वगैरह आप देख सकते हो उसके द्वारा होम टेक होम राशन वगैरह की जो है उसे जो है मेरी देखरेख में वितरण वगैरह किया गया है। इसके तहत कुल जो है 201 धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को 2 किलो 500 ग्राम चावल 750 ग्राम जो है अरहर दाल तथा 0 से 3 वर्ष के जो 434 बच्चे हैं उनको 1 किलो 250 ग्राम चावल 750 ग्राम अरहर दाल ये सब कुछ आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है। और कुपोषित बच्चों को 1 किलो 875 ग्राम चावल है और 875 ग्राम अरहर दाल है और कुल 4 क्विंटल वगैरह 88,000 अरहर दाल वगैरह वहां पर आई थी तथा 10 क्विंटल 32 किलो चावल का वितरण भी उन्होंने करवाया है। कार्यक्रम की सफलता में बिरसा जो है उराव निगरानी समिति सदस्य छुवी देवी और दुंदुवा आजीविका महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष ममता देवी सचिव आशा कुमारी है, कोषाध्यक्ष पिंकी देवी है और आतोषी मुखर्जी है, आंगनबाड़ी सेविका किरण सिंह है, एलिजाबेथ जो है डोडराय वगैरह प्रेमी सलोमी वगैरह है, जयंती देवी है, सुनीता देवी है और मेरी लिखा हुआ अंजलि है, रानी शर्मा है, सहिया है, रंजू है और आदि ये सभी बहने उन सबका वहां पर सहयोग भी रहा। वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हो आंगनबाड़ी कक्ष का निर्माण जो है वन विभाग ने आखिर रुकवा दिया और ये क्यों हुआ है उत्तर प्रदेश में ये हमें जो है देखने को मिला है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम सब भाई बहन जरूर देखेंगे। यहाँ पर विकास खंड क्षेत्र के खुजरी गांव में जो है मुसहर बस्ती के कायाकल्प के लिए जिलाधिकारी एस आपके राजलिंगम के आदेश के निर्माणाधीन जो है मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा था और यहाँ पर जो है दोपहर को इसे जो है वन विभाग के महकमे के पहुँचने के बाद इसे रुकवा दिया गया। इसके बारे में हम सब भाई बहन एक बार जरूर जानेंगे। बताया जा रहा है कि जो है
आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि बघाड़ू रंज के जिन जो है वन कर्मियों ने मौके पर जाकर के निर्माण कार्य को रुकवाया है ना, उन पर सरेआम जो है वन दोहन एवं अवैध खनन कराने का आरोप भी पहले लगा है और 3 दर्जन परिवारों की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए जब जिला प्रशासन द्वारा सकारात्मक दिशा में कार्य शुरू कराया गया तो नियम कानून का हवाला देकर के इस काम को जो है रुकवा दिया गया। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को एक और जानकारी की तरफ ले चलते हैं। ये पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है, आंगनबाड़ी वर्करों ने 500 वगैरह मास्क वगैरह वहां पर भी बहनों ने बनाए हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था लगभग आपके जो है 1500 मास्क पहले ही बहन ने जो बना करके पंजाब में दिए थे और उन्होंने 500 अभी फिर से बनाए हैं और ऐसे में जो महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड भी उन्होंने बना करके वितरण किए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ले चलते हैं और भी बहनों की तरफ। यहां पर आपको बता दें अगली बड़ी खबर आ रही है, आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन का प्रदर्शन दरअसल 5 को दो है देखने को मिलेगा 5 जून को। तो ऐसे में आपको बता दें 5 दिन तक लगभग आपको देखने को मिलेगा आल पंजाब आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको सबसे पहले ही खबर में बता दिया कि आंगनबाड़ी बहनों ने अपने 50 लाख के बीमे कवर की मांग को सरकार के सामने जो है मांग पत्र सौंपा था और उसके बाद जो है लगभग 14-15 दिन बीत गए हैं, अभी भी उसका कोई जवाब नहीं आया। तो आल पंजाब आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष का बिगुल जो है वो बजा दिया है। राष्ट्रीय जो प्रधान हरगोविंद कौर जी हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो है ब्लॉक प्रधान सतवंत कौर जी हैं उन्होंने बताया कि जत्थेबंदी की तरह से 1 जून से 4 जून तक जिला स्तरीय मीटिंग की जाएंगी और जबकि 5 जून से 10 जून तक प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर रोष प्रदर्शन भी किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि धरना प्रदर्शन भी होगा और अभी 29 तारीख को मीटिंग भी होने जा रही है। तो ऐसे में आप लोगों को और भी जानकारी बताना चाहेंगे, सरकार आंगनबाड़ी वर्करों के साथ जो है सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रही है। पंजाब के यूनियन ने ही ये सब कुछ कहा और अभी फिलहाल के लिए मीटिंग 29 तारीख को होने जा रही है। तो इसी के बारे में डिटेल से जानकारी आप सब जान लीजिए। आंगनबाड़ी बहनों ने 14 मई को जो है ज्ञापन वगैरह भी दिया लेकिन उस ज्ञापन को अभी तक नजरअंदाज कर दिया गया। अब बहनों ने जो है यहां पर अपनी मीटिंगों को लेकर के कहा है कि 29 को मीटिंग करेंगे और 5 से 10 जून तक जो है धरना प्रदर्शन भी जो है तरह तरह से देखने को मिलेगा। अब यहां पर सौतेली माँ जैसा व्यवहार, आपको बता दें कि आल पंजाब आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन द्वारा जिला जो है फाजिलका की जो बैठक 29 मई को होने जा रही है। इस दौरान जो है यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष हरगोविंद कौर जी विशेष तौर पर उसमें शामिल होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें इसमें और भी जानकारी है, फाजिलका यूनियन की मुख्य कमेटी के सदस्य जैसे रेशमा रानी, शीला देवी, नीलम रानी, हरजीत कौर, लीला देवी, आशा रानी, मीनू नीलम और भजन कौर हैं, राजवंत कौर हैं व सरोज रानी हैं, ज्योति हैं बाला और साथ ही साथ इन सब ने जो है मिलकर के आरोप लगाए हैं कि पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों के साथ सौतेली माँ वाला जो है पूरी तरीके से व्यवहार कर रही है। इसके बारे में बहनों ने डिटेल से अपनी बातों को भी सामने रखा है। ऑल इंडिया पूरा प्रयास कर रहा है कि जो है आंगनबाड़ी बहनों की जितनी भी जायज मांगे हैं उनको सरकार के पास तक पहुँचाया जाए और इसी की उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि सभी भाई बहन जहाँ कहीं भी आवाज जा रही है आप सब अपने अपने राज्य क्षेत्रों की हमें जानकारी डिटेल से भेजिए, अपनी खबरों को हम तक पहुंचाइए ताकि ऑल इंडिया और भी मजबूती के साथ आपके क्षेत्र की आपके राज्य की आवाज को उठा सके। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर भी टाइप करके मांग सकते हैं, नंबर भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप का और आप सब जानकारी ले सकते हैं। तो यहां पर आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के साथ सौतेली माँ जैसा जो व्यवहार हो रहा उसे भी हमने दिखाया। अगला मैसेज आप सब देख सकते हो, भोजीपुरा वगैरह लिखा है, वहाँ पर जो जिला बरेली पड़ता है वोसी के पास में एक ग्राम वोहित वगैरह लिखा है उन्होंने। उनका बहन का कहना है, माया देवी बहन है, कि भैया जो मैं पूछना चाहती हूँ कि 200 रुपये जो आते थे वह अब नहीं आ रहे। तो ऐसे में आप सबको बता दूं, आप सब जानते हैं कई राज्यों में हमारे पास जानकारी आई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 200 रुपये और जो भी ऊपर लग के पैसे आते थे ना, जितनी सेवा अवधि हो जाती उसी का जो पैसा एक्स्ट्रा लग के आता है, तो वो पैसा आंगनबाड़ियों का सरकार ने जो है रोक दिया, जो कि यहाँ पर निंदनीय है। और ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मात्र 4-5 हजार पाती हैं, उसमें से भी जो है 200 रुपए की कटौती सरकार ने जो करके ये दिखा दिया, सौतेला व्यवहार जैसा जो आंगनबाड़ी बहनों के साथ सौतेली माँ का व्यवहार नजर आता है। आगे आपको बता दें हमारे पास एक और मैसेज लगा है, नमस्ते जो है सुधांशु भैया, हमारे यहाँ THR नहीं आ रहा है, 3 महीने से अप्रैल के महीने में जो है आया है, फरवरी और मार्च और कई महीने का उनका वहां पर आया नहीं, तो इसी के बारे में वो जानना चाहती हैं। वहां पर उनका कहना है जिला अशोकनगर में ऐसा चल रहा है, हमारे यहाँ जो अधिकारी कहते हैं कि उधर से THR वगैरह आ ही नहीं रहा है, इसीलिए वह नहीं है जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से। तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों ने कहा है कि उनके वहां पर THR वगैरह ऊपर से नहीं भेजा जा रहा है और आप देख रहे हो काफी जगह सरकार जो है ढोल पीट रही है कि हम जो इतने लाभुकों को ये जो है प्रदान कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हो या गर्भवती धात्री महिलाएं हो उनके लिए जो पोषाहार THR वगैरह उन तक पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे में आप लोगों को बता दें कि यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें अपनी आवाज को बताते हुए कहती हैं कि जितने उनके लाभार्थी हैं उनके अनुसार आंगनबाड़ी को ना तो मानक के अनुसार पोषाहार ना ही
भी THR वगैरह मिलता है और ऐसे में वो किसको दें और किसको ना दें, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने बना रहता है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया है तो आप सब लाइक करके और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।